तो कल से आप सभी की तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है कि डायनेस्टिक लेजेंड 2 का गेम जो है हमारे मोबाइल डिवाइस में रिलीज हो चुका है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड गेम प्ले वीडियो चाहिए। और ऐसे भी आप लोग रिक्वेस्ट करोगे हम उसे पूरा ना करें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अबे साले, हाँ मुझे पता है ऑलरेडी काफी सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग है, उसे धीरे धीरे हम पूरा जरूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में इस गेम को हम खेल के रिव्यू करने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, ऑब्वियसली कहीं पसंद आए तभी लाइक करना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ इस गेम प्ले वीडियो को। और चैनल पर नए आ चुके हो, आने वाले इसी तरह से किसी भी नए गेम का गेम प्ले रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के। Toward the end of Eastern Han, the country fell into chaos. All sorts of forces started to revolt, and the yellow turbans is the most prevailing force. They waged battles and seized territories, also irresistible. Their vanguards have arrived at Chudang, and the city is in imminent danger. Now, in Zhuo County. It's so noisy outside. What's going on? I have to check it out as soon as possible. Stop crying! Break the whole village! Who's there? Catch that! Liu Bei! The rebels burnt the whole village! And some people are captured at the village entrance! Don't worry, I'll save them. Are you all right? Nay. You interrupted General of Heaven. You'll be dead soon. Stop them and protect General of Heaven. All of you. Capturing Chuyo. Nearly forgot about that. Nine heaven thunder! Reverse the universe! Die! Warded off by heavenly thunder? You did surprise me. Traitor, stay! I shall take your life another day. Nice.
तो हमारा सर्वर है एनाहिलेशन, इसी सर्वर में आपको भी खेलना पड़ेगा। लेकिन खेलने से पहले गेम के बारे में डिटेल तो शेयर करना बनता ही है। ये गेम एक्शन एआरपीजी कैटेगरी का मोबाइल गेम है जिसे लॉन्च किया गया है 12 जून 2022 को। इसके डेवलपर है एचके थाई इंटरएक्टिव लिमिटेड, जो इससे पहले डायनेस्टिक लेजेंड का पहला पार्ट भी रिलीज कर चुके हैं। और इस गेम को आप बहुत ही आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लगभग साइज है 3.2 GB। लेकिन 1 GB डाउनलोड होने के बाद इस गेम को आप खेल पाओगे। अभी फिलहाल इस गेम को रेटिंग मिला है 4.2 और 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस गेम को डाउनलोड करके खेल चुके हैं। फीचर्स की बात करें, ऑब्वियसली गेम को खेलते हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। Tao Tao is indeed a somebody. We have to do something to repay him. Then let's kill Zhang Zhao and show Dong Zhuo what we are capable of. We'll follow your lead. Okay. Let's go to the core place of heaven now. Brother, I'm ready. Let's go. तो जैसे कि आप सबने देखा, बहुत ही अच्छा स्टोरी है कटसिंस के साथ, और साथ साथ वॉइस ओवर भी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। किसी भी गेम में जब वॉइस ओवर होता है तो इसमें आपको अलग अलग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, हालांकि ये ही है मेन कैरेक्टर जिसे आप ज़्यादा एक्सेस करोगे, और हर कैरेक्टर का अलग अलग स्किल भी है। ग्राफिक्स भी इस गेम में काफ़ी अच्छे हैं, अभी फ़िलहाल हम हाई ग्राफिक्स में खेल रहे हैं, और साथ साथ अलग अलग गेम मोड भी है जैसे कि PvP, 1v1, 3v3 और 60v60। जी हाँ, ओ माय गॉड तो बोलना बनता ही है। अभी हमारा गाइड जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे और उन सब मोड को खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है उन सब मोड को खेल नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो तब तक हम स्टोरी पे ही फोकस करते हैं। बारिश स्टार्ट, यानी डायनामिक वेदर का भी सिस्टम है। ये पहला चैप्टर का बॉस है। चलो इसको भुजिया तली में भेज देते हैं जल्दी से जल्दी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। डॉज भी करेंगे, मारेंगे भी। बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है दूसरा कैरेक्टर, यानी बैटल के बेस कैरेक्टर को स्विच कर सकते हैं हम। ये कुछ ज़्यादा ही डैमेज नहीं दे रहे, चलो तो कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टर के हेल्थ को भी देखते रहना है। अल्टीमेट कुछ तो हुआ। Let me show you what my real power is. देखा, everything at my command right now. ये तो इवॉल्व हो गया यार, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। कैरेक्टर चेंज करो, और भी इसके चेले आ रहे हैं। अच्छा, इनको मारना है पहले शायद। ये गया, फ्लैश यूज करो। अब गया, अब इसे मार सकते हैं हम। मेन कैरेक्टर का हेल्थ काफी ज्यादा है। अल्टीमेट थोड़ा ठंड रख यार, तू मरने वाला है। खत्म। Time to give in. Innocent lads, here you show the power of Yellow Turban.
इतना तो मार खाया फिर भी कैसे खड़ा हुआ है पता नहीं। हो गया काम तमाम। यार एडी 184 यानी जीत चुके हैं 3 स्टार के साथ। उनका कहने का मतलब यही था। ट्रूली ओपन वॉल तो नहीं है, ऑटो प्ले का भी फीचर्स है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर बिना ऑटो प्ले का गेम होता है तो ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है। अपने सिटी में पीस हो चुका है। The sovereignty exchanges. They all suffered a lot. Luckily, the war finally ended. I wish they. इतना जल्दी तो नहीं होने वाला है. I'll guard that peace with my sword. I shall follow your lead, brother. Me too. We did such a great deed of merit. Would we be appointed to be a high-ranking official? Brother, everything is done here. But we have to carefully plan our way forward. Liu Bei, please stay. It's a long way to Luoyang. So we chipped in and bought this horse for you. Thank you for saving our village. Thank you so much. अच्छा इस सिटी को बचा चुके हैं, अब दूसरे एरिया पे जाना है हमें। There is still a long way to go. A horse, this horse is a gift from the villagers. Brother, अलग-अलग horses भी है। Activate. इवॉल्व भी कर सकते हैं हॉर्स को, क्या बात है यार, मजा आया। ये है दूसरा सिटी या फिर बोल सकते हैं दूसरा विलेज, इसे भी बचाना पड़ेगा शायद। लुयांग। ब्रदर, एडिक्ट फ्रॉम द एम्परर मैंडेटिंग अस टू गो टू द पैलेस टू बी अवार्डेड, डोंट मिस द एडवेंट ऑफ हिज मैजेस्टी। लुयांग रेडी। ये इनका राजा है। Edict from the Emperor. During the Yellow Turban Rebellion, you all. काफी बड़ा स्पेस था यार। मिलिट्री रैंक। Brother, Cao Cao told me the military rank is divided into multiple ranks and you need to promote one by one. बहुत कुछ है इस गेम में, जब हम खेलेंगे तभी जाके हमें पता चलेगा कि और क्या क्या कर सकते हैं। Come on, I have been waiting for you. My apology. Receive the decree now. तो इस गेमप्ले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि और ज़्यादा खेलेंगे तो हमें भी मज़ा आने लगेगा और वीडियो भी काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे ये गेम मुझे पर्सनली कैसा लगा, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। आप खेलते हुए बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे, खासकर इसका स्टोरी और साथ साथ साइड मिशन भी है, अलग अलग गेम मोड भी है जिसे आप खेलते हुए एंजॉय कर पाओगे। तो वेट किसका कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको डाउनलोड करना है वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। उम्मीद करता हूँ आज का ये गेम प्ले रिव्यू वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ डायनेस्टिक लेजेंड 2 गेम जो है आपके हिसाब से कैसा है, 10 में से कितना रेटिंग देना पसंद करोगे। और साथ ही साथ वीडियो अगर कहीं भी पसंद आ गया होगा तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए आ चुके हो, आने वाले इसी तरह से हर रोज कुछ ना कुछ वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।